हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टी फूड रेसिपीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हेल्दी एंड टेस्टी स्वीट कॉर्न सूप की रेसिपी, जिसे आप इजीली घर में कभी भी बना सकते हैं। तो इस तरह क्रीमी स्वीट कॉर्न सूप घर में कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हाफ कप मैंने स्वीट कॉर्न लिया है, ये कच्चे वाले हैं। 2 टेबल स्पून बीन्स को चप करके लेंगे, 2 टेबल स्पून कैरेट को चप करके लेंगे, प्याज 2 टेबल स्पून लेंगे चॉप करके, स्प्रिंग अनियन का व्हाइट वाला पार्ट लेंगे 1 टेबल स्पून, ग्रीन वाला पार्ट लेंगे 2 टेबल स्पून, लहसुन को चॉप करके ले लेंगे 1 टेबल स्पून, अदरक को ग्रेट करके ले लेंगे 1 टेबल स्पून, 2 ग्रीन चिली को चॉप करके लेंगे, आपको नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं, बॉइल्ड कॉर्न लेंगे 2 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर लेंगे 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, व्हाइट विनेगर लेंगे 1 टीस्पून, ऑयल 1 टीस्पून लगेंगे हमें, बटर 1 टेबल स्पून। अब हम बनाना शुरू करते हैं। मिक्सी का जो छोटा वाला ग्राइंडिंग का जार होता है मसाला वाला, उसमें हम 1/2 कप कॉर्न डाल देंगे, ये कच्चा कॉर्न है। थोड़ा सा पानी डालकर इसे पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। आप चाहे तो थोड़ा तटरा या फिर थोड़ा फाइन भी रख सकते हैं। गैस पर एक कढ़ाई या पैन चढ़ा देंगे, उसमें 1 टीस्पून डाल देंगे ऑयल, 1 टीस्पून डाल देंगे बटर। आप चाहे तो सिर्फ बटर में भी बना सकते हैं, बटर जल ना जाए इसलिए मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाल दिया। अब हम इसमें ग्रीन चिली, अदरक और लहसुन को डाल देंगे, थोड़ा सा इसे भून लेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, स्प्रिंग अनियन का व्हाइट वाला पार्ट डाल देंगे, 1 टेबल स्पून ग्रीन वाला पार्ट डाल देंगे, स्वीट कॉर्न डाल देंगे, बीन्स और कैरेट को भी डाल देंगे। वेजिटेबल्स आप अपने चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं, नहीं पसंद करते हैं तो आप सिर्फ कॉर्न से भी बना सकते हैं। तो सारे चीज़ों को अच्छे से थोड़ी देर सोते कर लेंगे। वेजिटेबल्स को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा इसमें क्रंच रहने देना है। तो इस तरह थोड़ी देर सोटे करने के बाद कॉर्न का जो पेस्ट बनाया था हमने, उसे इसमें डाल देंगे। उसे भी थोड़ी देर सब्जियों के साथ भून लेंगे। हमने कच्चा कॉर्न की पेस्ट बनाया था तो इसे थोड़ी देर भूनना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका रॉ टेस्ट चला जाए। तो इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। इसे लगातार चलाते रहिएगा, बनने में जैसे लग जाएगा। पहले ही हमारे चैनल पर टमाटो सूप और मैंचाओ सूप की रेसिपी अपलोडेड है, अगर आपने उसे नहीं देखा है या किसी कारण से स्किप कर दिया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रीन पर आए आई बटन को क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें गर्म पानी डाल देंगे। तो 1 कप मैंने गर्म पानी डाल दिया, अब मैंने 2 कप गर्म पानी डाल दिया। तो यहाँ पर हमें गर्म पानी डालना है और सारे चीज़ों को मिला लेना है। अब इसमें 1 बॉयल आने देंगे। गर्म पानी हम इसीलिए डालते हैं ताकि हमारा जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक ना जाए, तो इसीलिए आप ठंडा पानी मत डालिएगा, गर्म पानी डालिएगा। तो आप देख सकते हैं 1 बॉयल इसमें आ चुका है। अभी ऊपर से ये जो साइड में झाग आ रहा है, आप उसे जितना हो सके उतना इस तरह एक स्पैटुला या लैडल से निकाल दीजिएगा, जितना पॉसिबल है उतना निकाल दीजिएगा, बाकी रहने दीजिए। तो इस तरह थोड़ी देर हम इसे चला लेंगे। अब हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। अब हम इसमें व्हाइट विनेगर डालेंगे। तो व्हाइट विनेगर मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाल दिया है, आप चाहे तो 1 टीस्पून शुगर भी डाल सकते हैं अगर आप मीठापन चाहते हैं तो। वैसे ही स्वीट कॉर्न मीठा होता है तो मैंने नहीं डाला है। तो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर में 4 टेबल स्पून पानी मिलाकर इसका स्लरी बना देंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालेंगे और इस तरह चलाते रहेंगे। सारा हमें एक साथ नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह चलाते रहेंगे, ये हमारे सूप को ठीक करेगा। अभी गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है और थोड़ा थोड़ा करके डालने के बाद अब मैं इसमें स्प्रिंग अनियन डाल देती हूँ। तो 1 टेबल स्पून मैंने पहले डाला था, 1 टेबल स्पून मैंने
बाद में स्प्रिंग अनियन डाल दिया। सूप हमारा बन चुका है। आप चाहे तो अभी गैस का फ्लेम बंद कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 टीस्पून और बटर इसमें डाला है। अगर आप पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून इसमें और बटर डाल दीजिएगा और इसे थोड़ा सा मिला लीजिएगा, यानी बटर को मेल्ट होने तक इसे और मिला लीजिएगा, पकने दीजिएगा। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाता है गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, ये खुद ही थोड़ी देर में थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह का सूप बनाकर आप कभी भी पी सकते हैं। बारिश हो, ठंडी हो या फिर कोई बीमार हो घर में, तो आप इसे ज़रूर ये बनाकर दे सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर छिड़क दीजिएगा। बहुत ही अच्छा सूप बना है। एक बार इसे आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर का बना है ये सूप। वेजिटेबल्स डालने के वजह से ये और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनता है। 10 से 15 मिनट में ये घर में रखे कुछ ही चीज़ों में बन जाता है। तो कैसी लगी आज की स्वीट कॉर्न सूप की रेसिपी, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।